जिला विद्यालय निरीक्षक सरदार सिंह ने कहा कि स्कूल का प्रबंधन अच्छा होगा तो कमजोर प्रधानाचार्य से भी काम चलाया जा सकता है। यदि प्रबंधन एवं प्रधानाचार्य दोनों अच्छे हों तो स्कूल ऊंचाइयों पर पहुंचना निश्चित है। और झिंझाना का राष्ट्रीय शिक्षा सदन इंटर कॉलेज अच्छी मैनेजमेंट एवं सुदृढ़ शिक्षण व्यवस्था के बूते जनपद को गौरवान्वित कर रहा है। कस्बे के राष्ट्रीय शिक्षा सदन इंटर कॉलेज में मंगलवार 17 जनवरी को दोपहर बाद जिला विद्यालय निरीक्षक कॉलेज के नवनिर्मित लैब का उद्घाटन करने पहुंचे थे। सर्वप्रथम स्कूल प्रांगण में स्थापित वीणा वादिनी माँ सरस्वती के समक्ष मुख्य अतिथि सरदार सिंह, कॉलेज प्रबंधक शैलेंद्र मित्तल एवं समिति अध्यक्ष सुरेंद्र मित्तल, प्रधानाचार्य प्रवीण कुमार, इंद्रपाल मलिक, अशोक बहादुर गोयल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। गणमान्यों की उपस्थिति में मुख्य अतिथि ने फिजिक्स लैब, रसायन विज्ञान लैब, गृह विज्ञान कक्ष एवं मैंने पीने के पानी की टंकियों का अलग अलग फीता काटकर उद्घाटन किया और शिला पोटों का भी पर्दा हटाकर लोकार्पण। उद्घाटन के बाद कॉलेज के सभाकक्ष में मौजूद गणमान्यों को संबोधित करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक सरदार सिंह ने कहा कि अर्ध सरकारी स्कूलों में मैनेजमेंट अच्छी है और प्रधानाचार्य कमजोर भी होगा तो चल सकता है, लेकिन मैनेजमेंट अच्छी न हो, प्रधानाचार्य बेहतर प्रदर्शन भी करे तो स्कूल ऊंचाइयां नहीं छू सकता, परंतु प्रबंधन एवं शिक्षण व्यवस्था दोनों मजबूत होंगी तो स्कूल को ऊंचाइयां छूने में समय नहीं लगेगा और ऐसा स्कूल निरंतर प्रगति करता है। कस्बे में राष्ट्रीय शिक्षा सदन इंटर कॉलेज इसका स्पष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा, कॉलेज के प्रबंधक शैलेंद्र मित्तल के अच्छे प्रबंधन एवं प्रधानाचार्य द्वारा सुदृढ़ शिक्षण व्यवस्था के बूते कॉलेज ने जनपद को गौरवान्वित कर अपना अच्छा स्थान बनाया है, सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर रहा है। उन्होंने कहा, कॉलेज में स्वच्छता एवं अच्छी उच्च शिक्षा के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी गई है जिस पर जांच चल रही है, परिणाम का इंतजार है। इस अवसर पर आर्य समाज अध्यक्ष अशोक बहादुर गोयल ने भी अपने विचार रखे और प्रबंधन कमेटी के प्रयासों की प्रशंसा की। कॉलेज प्रबंधक शैलेंद्र मित्तल एवं समिति अध्यक्ष सुरेंद्र मित्तल ने जिला विद्यालय निरीक्षक को शॉल ओढ़ाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। कॉलेज समिति अध्यक्ष सुरेंद्र मित्तल, व्यापारी नेता विनोद संगल, समिति सदस्य इंद्रपाल मलिक, अमरीश मित्तल, विपिन मित्तल सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। आइए देखते हैं और सुनते हैं उनकी जुबानी झिंझाना से प्रेमचंद वर्मा के साथ। ये चीज ठीक लगी सर, सामने वाली जो मार्बल ला रही है। जुलाई 2008 को ज्वाइनिंग कराई आपने और उस दिन का दिन और आज का दिन आपने जो अधिकार पूर्वक मुझे यहाँ विद्यालय चलाने का जो अधिकार दिया उसके लिए सबको बहुत सारा नमन। बहुत चलता इसमें शिक्षण कार्य आ जाने से पहले ही शुरू हो गया था, बहुत पुरानी परंपरा है और जैसे जैसे देश तरक्की करता जा रहा आगे वो बढ़ता जा रहा, वैसे नई नई कमेटियों के द्वारा इस कॉलेज का उत्थान होता है। कॉलेज के उत्थान के लिए कमेटी का एक्टिव होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर कमेटी बहुत ठंडी है, अभी आपने बताया भाई वहाँ का ऐसा है, तो अगर ठंडी है तो वह विद्यालय वही का वही चलता है। अगर कमेटी एक्टिव है, ईमानदार है, उसकी तरक्की में अगर वो अपनी सहायता करते हैं तो वो संस्था दिनों दिन तरक्की करते हैं। तो जैसे जैसे नई नई कमेटियां आई उसके बाद इस समय जो कमेटी है ये कॉलेज के प्रति बहुत समर्पित है। इसका इनका ध्यान हमेशा कमेटी का ये रेवत कॉलेज नई ऊंचाइयों पर। अब किसी भी इंटर कॉलेज या कोई भी संस्था हो
उसके दो ही मापदंड होते हैं, एक शिक्षा और एक डिसिप्लिन। शिक्षा की जो पैमाना है वो है रिजल्ट, तो हाई स्कूल इंटर रिजल्ट मेरे विचार से जिले की सभी संस्थाओं से सर्वोच्च स्तर पर है। हर साल टॉप 10 में रहते हैं बच्चे दसवीं बारहवीं। और जहां तक डिसिप्लिन की बात है, पिछले जो अगर मैं इतिहास देखें उसके मुताबिक अब डिसिप्लिन बहुत दिनों से इस संस्था का बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। कोई बच्चा इधर से उधर नहीं, अपना शिक्षा का ग्रहण करने के लिए उत्साहित रहता है। दूसरी बात यह है, ये तो प्रदेश पूरे प्रदेश की समस्या है कि अध्यापक थोड़े से कम रहते हैं हर राज्य में। उसके बाद कुछ कमेटी के द्वारा अरेंज किए जाते हैं, उसमें दो बात है, कुछ तो भाई भतीजावाद पे उन अध्यापकों को रख रहे हैं जिन्हें रोजगार नियम रख लिए, चाहे वो पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे लेकिन वो खाना पूर्ति चाहिए। एक स्थिति यह है यहाँ की, बाकायदा इंटरव्यू लेने के बाद जो ब्रिलियंट लड़के हैं उन लोगों का सिलेक्शन करके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं क्लास में अध्यापक न, चाहे कितने भी अरेंजमेंट करना पड़े लेकिन बच्चों को शिक्षण शिक्षा जो है वो अध्यापकों द्वारा दी जा रही है। और एक आज के दिन एक बड़ा सौभाग्य है कि भारी स्कूली से पढ़े हुए एक छात्र जो कभी बचपन यहाँ पढ़े थे और फिर उसके बाद में तरक्की करते करते इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल बने, वो आज हमारे बीच में यहाँ मौजूद है। यही पर शिक्षा प्राप्त करी और सलावा। अच्छा सलावा। और फिर इनके बड़े भाई स्कूल से प्रिंसिपल रहे। और आज जो कमेटी है वो कमेटी इस तरह ध्यान रखे, हर कमेटी का सदस्य और जो है इस कॉलेज को तरक्की के नए मुकाम पर ले जाए। जहां तक प्रिंसिपल पढ़ाने जाने की बात है वो उनका सहयोग, अगर प्रिंसिपल का सहयोग ना हो तो भी वो काम चलना बड़ा मुश्किल होता है। प्रधान आचार्य का भी सहयोग इसमें बिल्कुल तत्पर रहते हैं हर टाइम, और ये रहते हैं किसी न किसी तरह इसकी तरक्की हो। 59 में मैंने हाई स्कूल किया है और उस टाइम तो संस्था नाम की चीज थी बहुत, इलाका पूरा इलाका ही पिछड़ा हुआ था, जो संस्था पिछड़ी हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे मैनेजमेंट ने मिलकर प्रिंसिपल ने मिलकर के कॉलेज को आगे बढ़ाया और पिछले 23-24 साल से मैं भी मैनेजमेंट हूँ। प्रिय शैलेंद्र हैं, सुरेंद्र भाई हैं, तब से संस्था दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। शादी जुड़ा रहा हूँ, 1992 में मेरा सिलेक्शन पूर्वक का अर्थात में वादा मिलोज है और मैं 7 वर्ष में पूर्वक का रहा इंटर कॉलेज डेडिट विद्यालय था। फिर मेरा विशेष है 97 बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ और 1999 में मैंने पहली ज्वाइनिंग करी ब्लू सेल। विद्यालय तो मैनेजमेंट के कॉलेज में मैं रहा हूँ, जब तक मैनेजमेंट का सहयोग ना हो तब तक विद्यालय नहीं हो। प्रिंसिपल कितना ही एक्टिव हो और मैनेजमेंट खराब हो तो विद्यालय नहीं चलेगा। प्रिंसिपल कितना ही भी खराब हो और मैनेजमेंट अच्छे हो, वो मैनेजमेंट उससे विद्यालय अच्छी तरह से चलवा सकते। अभी आपने बताया कि पहले भाई भतीजावाद कुर्ती चलाते थे पढ़ाते थे, तीन है, एक तो शिक्षक, एक वकील और एक डॉक्टर। अगर ये अच्छे नहीं है तो समाज में सुधार नहीं आया। मैं कोई केस लड़ रहा हूँ और मैं अपने करके किसी वकील को कर लूँ और आता है नहीं, वो हरा देगा केस। इसलिए किसी अच्छे वकील को करना चाहिए अगर मैं केस लूँगा। ऐसे ही मैं अगर अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ तो एक अच्छा टीचर होना चाहिए, ये नहीं कि मेरे पड़ोस में या मेरा रिश्तेदार है उससे पढ़वा दो, वो कोई पढ़ा ही नहीं पाता, तो एक अच्छा टीचर भी होना जरूरी है। मैंने विषय स्वच्छता के रूप में
लखनऊ भी भेजा था, अभी वहाँ तक कुछ हुआ नहीं है, क्या पता फिर दोबारा इसका नाम आ जाए। इसके फ़ोटो प्रिंसिपल साहब से मांगे थे और कुछ इसके बारे में मांगा था तो भेज दिया। एक दर्पण पत्रिका छपने जा रही थी, अभी छपी नहीं है, क्या पता उसमें आ जाए। किसी पद पर होंगे सचिव वगैरह, तो यहाँ का माहौल उन्होंने एक कमरा उन्होंने चेक करा, जो टीचर पढ़ा रहे थे वो भी चेक करे कैसे पढ़ा रहे, कैसे जवाब भी उनके सामने बच्चे से ले रहे थे, तो बड़ा इम्प्रेशन उन पर पड़ा कि अच्छा कॉलेज है। ये बैठे मास्टर जी इनके यहाँ भी गए थे, ये रुके नहीं, मतलब ये पढ़ाते पढ़ाते ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे तो रुके ही नहीं, वो पूछते रहे ये बच्चे को, एक ही चीज़ इन्होंने समझा रखा होगा, वो जवाब देते रहे, मतलब वो फिर एंड में उन्होंने बंद करा कर ठीक है मुझे बहुत अच्छा पढ़ा रहे तो यहाँ का अच्छा मतलब उनके दिमाग में बहुत अच्छा मैसेज गया कि बहुत अच्छा कॉलेज है और हकीकत में अच्छा कॉलेज है। मैं वैसे नहीं कह रहा, यहाँ सिर्फ दो कॉलेज ऐसे हैं, एक ये आर एस एस जिंजाना और एक चंदनवा, दोनों की टक्कर है, दोनों ही एक दूसरे आज हैं। आज ये चंदनलाल वो भी ऐसा ही है, वहाँ की मैनेजमेंट भी अच्छा पैसा लगा रही है और वहाँ भी शैक्षिक गुणवत्ता अच्छी है, ऐसे इनके हैं, इनकी यहाँ बिल्डिंग से कुछ नहीं होता, जो शैक्षिक वातावरण है वो अच्छा होना चाहिए। झोंपड़ी में भी मतलब वैसे भी पढ़ रहे हैं लेकिन अच्छी गुणवत्ता है उन कॉलेजों में, तो उस पर ध्यान ना दें, देखें शैक्षिक वातावरण हमारा सही होना चाहिए जिससे बच्चे और अच्छे निकलें। और जैसे भी प्रिंसिपल साहब यहाँ के स्टूडेंट रहे तो वहाँ प्रिंसिपल बने तो बड़ा अच्छा लगता, मैं भी जहाँ पढ़ा था मेरा भी नाम लिखवा रखा बोर्ड, मैं लखावटी पढ़ा था अमर सिंह इंटर कॉलेज लखावटी बुलंदशहर में, तो मेरा भी वहाँ के प्रिंसिपल साहब ने जो वहाँ के प्रोडक्ट थे एक उन्होंने बोर्ड बना रखा, तो मेरा भी नाम उन्होंने वहाँ लिखवाया जब मैं वहाँ, तो बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोगों को अपने कॉलेज में जाते हैं जहाँ हमने शिक्षा ली है, और हम तो शिक्षकों का बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि शिक्षक रहे, तो इसलिए मैं शिक्षकों का बहुत सम्मान करता हूँ। मैं हाथ जोड़ के गुरु जी से खुद नमस्ते कर लूँ, आप लोगों की वजह से हम यहाँ आए, गुरुओं की वजह से। आज भी मेरे एक गुरु जी हैं जो याद करते रहते हैं लखावटी के, वो जी एग्रोनॉमी पढ़ाते थे मुझे, तो वो कभी कभी मुझे फ़ोन करते हैं, मैं कभी उनका काम एक तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा, फिर आप आज यहाँ आरएसएस इंटर कॉलेज में पहुँचे हैं उद्घाटन के लिए, तो जानना चाहूँगा आपने किस चीज़ का उद्घाटन किया है और आपको कैसा लगा है? मेरा नाम सरदार सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक शामली। आज यहाँ प्रबंधक महोदय और उनकी कमेटी के द्वारा मुझे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया और मैंने आज केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब और होम साइंस की लैब का मेरे द्वारा इन्होंने उद्घाटन कराया और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। इन्हीं जनपद में अपने इस कॉलेज का जो स्थान है शिक्षा में किस प्रकार से है, स्वच्छता में किस प्रकार से है? इस कॉलेज का बहुत अच्छा स्थान है पूरे जनपद में, अच्छे कॉलेजों में इस विद्यालय की गिनती है, यहाँ के मैनेजमेंट अच्छी है, प्रिंसिपल साहब यहाँ का अच्छा है और यहाँ का स्टाफ भी अच्छा, बड़ी मेहनत करते हैं बच्चों के साथ मिल। ओके सर।